हेलो मित्रों, तो मैं अब गंगा द्वार की तरफ आ गया हूं और गंगा द्वार का जो नया अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको कैसा क्या लग रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। और जो भी पानी तल था, पानी का तल जो पानी का लेवल था वो भी थोड़ा नीचे गया है। और जैसा कि इधर देख सकते हैं आप, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी स्नान किए थे और वहीं से होते हुए आपका गेटवे ऑफ कॉरिडोर अंदर की तरफ गए थे। तो मैं अभी उधर ही जाऊंगा और उधर का व्यू पूरा आपको दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जैसा भी लगेगा कमेंट करके बतलाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं। हेलो मित्रों, तो उस बार जब मैं आया तो जो नीचे की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर जो काम चल रहा है, जहाँ वर्कर्स भाई बैठे हुए हैं, अभी मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो जब मैं उस बार आया था तो सिर्फ दो सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इस बार लगभग चार सीढ़ियाँ कम्प्लीटली बन चुकी हैं। तो इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि पहले समय में ये मजबूत तो बनी थी, लेकिन लगभग कई सालों के बाद ये धीरे धीरे अब ओल्ड हो चुकी हैं और ख़राब होती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट गेटवे ऑफ कॉरिडोर या गंगा द्वार बनाते समय अब इसको भी बदल रहा है। और यहाँ पे देखिए, ललिता घाट है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, ऊपर साइड भी नेपाली मंदिर है, ये सारा ही बदला जाएगा, और जो कि बहुत अच्छी बात है और बदला भी ज़रूरी है। भोले बाबा के दीवाने, एंजॉय करते हुए लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। आइए चलते थोड़ा सा आगे, आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। यही थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है कि स्नान करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नहाने के लिए इसको आगे तक बढ़ाया गया है और यहाँ पे लोग स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डर सा भी है, क्योंकि जिनको नहाने स्नान करने ना आता हो तो वो बिल्कुल भी पानी में उतरने का प्रयास ना करें, क्योंकि जो गंगा की जो गहराई है उसको नापा नहीं जा सकता है और तुरंत आप पानी के अंदर चले जाएंगे और बचाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बचाव के लिए कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। और कुछ दिन पहले मैं आया था यहाँ पे तो एक आदमी, लंबा चौड़ा आदमी, डूब कर मर गया था। तो भाई, आपको वीडियो के माध्यम से सचेत करने का भी मेरा एक कार्य है कि अगर तैरना नहीं आता तो पानी में उतरने का काम आप मत कीजिएगा, रिस्क है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए गंगा द्वार, गंगा द्वार से यहाँ पे सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे नाव पे बहुत सारी बालू की बोरियाँ लदी हुई हैं और यहाँ पे लोग नौकायान कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में, यहाँ पे आपको बहुत सारी पत्थरें रखी हुई हैं जो कि राजस्थान या चिनार की पत्थरें ऐसा कहा जा रहा है। और इधर साइड में आपका बालू भी रखा गया है, जो कि इन सभी चीज़ों का यूज करके, प्रयोग करके जो बनारस की जो गंगा द्वार की घाटें हैं उसको बनाने का काम किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बस चलते हैं अब अंदर की तरफ। ये देख सकते हैं सीमेंट, यहाँ पे जो सीमेंट है उसको जो है कि यहाँ पे प्लास्टिक से ढका हुआ है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर क्या हुआ है, कितना हुआ है, कब तक होगा, सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करेगा आपका भाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, तो जब इसके पहले मैं यहाँ का वीडियो बनाया था तो यहाँ पे जो गेटवे ऑफ कॉरिडोर पे, यहाँ पे वॉल्स पे जो पोल्स लगाई गई थी, यहाँ से उन सभी पोलों को हटा दिया गया है। अब हमको लगता है कि इसके जगह का, बगल का जो भी वॉल्स हैं अब उस पर काम चलेगा, वहाँ का काम किया जाएगा और इसको जल्द से जल्द अब कम्प्लीट करना चाहिए, क्योंकि इधर का तो पूरा काम बहुत ही सुंदर हो गया है, अब रह गया है इधर का काम करना। आइए चलते हैं, देखते हैं और अंदर का कुछ काम कितना क्या हो रहा है सब दिखाते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। हेलो मित्रों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ कॉरिडोर के जस्ट नीचे में, इधर साइड में देखिए सरिया बिछाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सरिया को किस प्रकार से बिछाया जा रहा है, मतलब ये घाट बहुत ही मजबूती के साथ बनाया जा रहा है और बहुत ही खतरनाक बनाया जा रहा है इस घाट को। कह सकते हैं कि इस घाट को इतना अद्भुत तरीके से बनाया जा रहा है कि अकल्पनीय जिसे बोल सकते हैं आप। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। भाई, ओल्ड वीडियो जानने से हमको भी कोई फायदा नहीं है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। I'm gonna go to the next one.
हेलो मित्रों, तो अभी भी रेड कारपेट जो है कि बिछा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार आने पे एक चीज़ दिखा है, यहाँ किनारे किनारे बैठने के लिए यहाँ पे पत्थर की ऐसे ही स्ट्रक्चर में लगा दी गई हैं। अगर मान लीजिए शाम के टाइम में कोई यहाँ बैठना चाहे तो यहाँ बैठ सकता है। ये लाइन्स यहाँ पर लगा दी गई हैं और दो डस्टबिन उधर साइड से ला कर यहाँ पर डस्टबिन भी लगा दिया गया है। और यहाँ फ्रंट साइड में गेटवे ऑफ कॉरिडोर और यहाँ पर जो अभी साइड में जो आपका कारपेट रेड कलर का बिछाया हुआ था तो अभी भी बिछा हुआ है, अभी इसको हटाया नहीं गया है। और यहाँ पे देखिए शॉप है जो कि अभी खुला नहीं है और यहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो सारी उससे जुड़ी हुई चीज़ें उसके अंदर रखी हुई हैं। आइए देखते हैं कुछ और कार्य हुआ है क्या, जो भी होगा सब आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। और इधर साइड में देख सकते हैं इधर भी काम चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर साइड में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इधर अभी भी लोग उसी प्रकार से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा दिख रहा है आपको। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं अभी क्या क्या हुआ है, कुछ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। हेलो मित्रों, तो जैसा कि आप नीचे साइड में देख सकते हैं नीचे साइड में अभी भी पत्थर लग रहे हैं इधर साइड में और यहाँ से लोग उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समस्याएँ होती हैं। तो यह इसमें गंगा द्वार से एक दूसरा रास्ता है उधर से भी आ सकते हैं, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ना समस्या होती है और जिनको इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से भी समस्याएँ होती हैं तो वो इस रास्ते से भी आ सकते हैं। और इस रास्ते पर जब ऊपर की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बजरंग बली की एक मूर्ति दिखलाई देगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर पे बहुत सारे अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं तो यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ पे रूम ले सकते हैं कॉरिडोर के परिसर के अंदर। और ये देखिए भारत माता का मंदिर यहाँ पे है हमारे जस्ट फ्रंट पे, यहाँ पे देख सकते हैं उस बार आए थे तो ये काम स्टार्ट नहीं हुआ था लेकिन ये कम्प्लीटली अब बन चुका है अंदर साइड का। और देखिए उधर साइड में भी काम चल रहा है और यहाँ से आप काम देख सकते हैं। अब चलेंगे दूसरे तरफ और दूसरे तरफ जा कर के उधर का भी आपको दृश्य दिखाने का काम करेंगे। आइए चलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको देखकर ये कैसा लगा। हेलो मित्रों, तो परिसर में जो कुछ भी यहाँ पे कारपेट लगाया गया है आप कारपेट की हालत देख सकते हैं 10-15 दिन में बदल गई है। और यहाँ पे जो भी प्लांट्स लगाए गए थे सभी प्लांट्स में अब पत्तियाँ आने लगी हैं और लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, भारत माता के मंदिर के जस्ट नीचे बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। कितने लोगों को मना करूँ, इसलिए मैं भी मना करना बंद कर दिया हूँ। मना करने पर लोग लड़ाई करने लगते हैं तो भाई यहाँ पर जो परिसर है इस परिसर में जो लोग हैं उनको यहाँ पे लिख कर चपना देना चाहिए कि यहाँ पे लोग बैठे नहीं, भारत माँ का अपमान होता है। और मुझे बहुत गुस्सा कभी कभी आता है और लड़ाई भी एक बार कर चुका हूँ तो किससे लड़ाई करूँगा, समस्याएँ बन जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जिसमें मंदिर के सामने खड़ा हूँ ये भी महादेव की मंदिर है और ये बहुत पुरानी मंदिर है लेकिन ये मंदिर का जो वॉल्स है वो काफ़ी पुरानी है और वहाँ पर दरारें छोड़ने लगी हैं और उसमें से पक्की जैसा कुछ नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, इस मंदिर को ही बेस उसका सेफ वही बचा रहेगा और उसकी पुरानी पुरानी जो कुछ भी चीज़ें हैं सारा हटा करके उसके नए उस पर नए पत्थर लगाए जाएँ। और जैसा कि देख सकते हैं विश्वनाथ परिसर के जस्ट बगल में यहाँ पे टीन शेड लगाया गया है और टीन शेड के उस बगल में यहाँ पर बहुत सारी देख सकते हैं इधर भी मंदिरें हैं। तो ये प्राचीन सकते हैं कि बनारस की जो गलियाँ हैं सिर्फ मंदिरों से ही भरी हुई हैं। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर है कुछ दूरी पे, ये भी हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है। तो इस मंदिर का जो बेस है उसको वैसा ही रखा गया है बट ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको बदला जा रहा है। जैसा कि मित्र आप देख सकते हैं ये पूरा, और नीचे साइड में आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे साइड में यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है
कि जब लाइटिंग जब शाम के टाइम में ये जलेगा तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगेगा। और यहाँ से इस तरीके से आप इधर से घूम के जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है और शेष बाबा, शेष मतलब साफ देवता, यहाँ पे उनके ऊपर पन फाड़े हुए हैं। ये आप वीडियो के माध्यम से पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये सब देख कर आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए, इसके जस्ट सामने एक और मंदिर है और ये शायद श्री चंद्रगुप्त महादेव मंदिर है, ऐसा करके कुछ मैंने पढ़ा था। आइए चलते हैं आगे, आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार है और यहीं से लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और यहाँ पे लोग अपना थोड़ा बहुत जिनको प्यास लगा है वो पानी पी पा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले आए थे तो लोग प्यास की वजह से परेशान थोड़ा हो रहे थे, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे देख लीजिए, यही सीवेज टंकी है, यहीं पर अंडरग्राउंड सीवेज टंकी बनाई जा रही हैं जो कि आपका मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में है। और यहाँ पे देख सकते हैं दृश्य, इधर भी आपका इलेक्ट्रिक जो है कि अंदर से ही लोग बाबा के दरबार में जा सकेंगे। इसका मुझे बोलने का वो नाम नहीं पता है, मैं भूल रहा हूँ इसका नाम, मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू लोग जिनको चलने में प्रॉब्लम होगी वो जा सकेंगे अंदर। ये आपका गेटवे आपका कॉरिडोर या गंगा द्वार भी आप कह सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी काम चल रहा है, नीचे साइड में इसको बनाया जा रहा है। हेलो मित्रों, देखिए महादेव का दर्शन करने के लिए मद्रासी लोग हैं और देख सकते हैं ये बनारसी गलियों में इनका सामने में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो है कि यहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं और स्नान करने के बाद जो लोग भी स्नान करके आते हैं उनको चंदन लगाने का काम करते हैं और चंदन का लेपन सर पे करते हैं। और भगवान भोले बाबा का जो चंदन लगाता है वो भक्त बन जाता है। भाइयों, यहाँ पर डस्टबिन है तो बनारस में जब भी आए तो आप डस्टबिन का यूज करा करें, जहाँ मन पिचकारी की तरह मत थूका करें, ऐसा कुकृत्य कार्य मत किया कीजिए। हेलो मित्रों, तो आज सुबह 7 बजे घर से निकला हुआ हूँ और 7 बजे से निकला हुआ हूँ और लगभग अभी 10 बजने वाला है और अब मैं पहुँचने वाला हूँ गेटवे ऑफ कॉरिडोर की तरफ और वहाँ से वीडियो बना करके फिर निकल जाऊँगा घर की तरफ। और आज अच्छा ये रहा कि आज गया था मैं इधर कैन के ठीक सामने आपका जो बन रहा है फ्लाईओवर, तो वहाँ गया था और वहाँ का वीडियो बनाया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का वीडियो बना करके। अभी आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी नाव लगी हुई हैं एक सीरीज में। हेलो मित्रों, तो वो प्लेस आपको दिखाता हूँ, देखिए वो प्लेस यही है, प्लेस यही है और यहीं पे आप जब पास आउट करेंगे और मेरे ठीक सामने यहाँ तेरी भैरवी घाट है तो यहीं पे ये प्लेस पे इतना गंदगी महकता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहली बात तो यहाँ की जो जिलाधिकारी या नगर निगम है या कोई भी है तो उनको ये सब देख रेख करना चाहिए, क्योंकि तो बनारस में जो लोग घूमने के आते हैं बनारस के लोग नहीं होते हैं, यहाँ पर स्टेट लेवल अलग अलग कंट्री से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, जो कि बनारस की जो हमारी संस्कृति है ना वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। हेलो मित्रों, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पानी कहाँ से आता है, देख सकते हैं कि इसके अंदर से कहाँ से पानी आ रहा है, ये रिसाव है
और ये कहाँ शायद नाली का पानी है, कैसा पानी है या फिर गंगा जी का पानी है, कुछ क्लियर नहीं होता है। ये देख सकते हैं किनारे किनारे पानी यहाँ पे आ रहा है।